भी बुक लिस्ट है उसको कवर करेंगे, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचता रहे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बुक लिस्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आता है। तो हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास का, ये दो क्लास का आप ले सकते हैं जिससे आपका एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होगा। वहीं मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक आता है, बेस्ट बुक है मॉडर्न के लिए, तो आप ये ले सकते हैं, इससे आपका मॉडर्न कंप्लीट होगा। वहीं ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के लिए महेश कुमार वर्णमाल प्लस घटना चक्र, ये दो बुक है, आप ये ले सकते हैं जिससे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा और इन्वायरमेंट भी साथ में। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत के बुक के साथ जा सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट तथा प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है वो ले सकते हैं, जिससे आपका उसमें बजट सेंसर की सब जितना भी पॉइंट है वो आपका कवर हो जाएगा, तो आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक लीजिएगा। वहीं बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद का बिहार स्पेशल निकालता है बुक, वो आप ले सकते हैं, तो इम्तियाज़ अहमद बिहार स्पेशल के लिए बेस्ट बुक है। साइंस के लिए लूसेंट का एक आता है सामान्य विज्ञान का, वो आप ले सकते हैं, साइंस के लिए बेस्ट बुक है। करेंट के लिए घटना चक्र प्लस प्रतियोगिता दर्पण, ये दो में से जो अच्छा लगे वो लीजिए और उसको अच्छे से कवर कीजिए। मंथली वाइज भी आता है वो लीजिए, और मंथली वाइज भी और एक ईयरली मतलब वन ईयर का भी आता है वार्षिक अंक, वो दोनों में से जो अच्छा लगे आप लीजिए और उसको कवर कीजिए। मिसलेनियस के लिए आप लूसेंट का भी बुक आता है, एक क्राउन का आता है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लीजिए, वो दोनों को में से जो अच्छा लगे उसको लेके अच्छे से कवर कीजिए, आपका मिसलिनियस से जो भी क्वेश्चन आता है वो छूटेगा नहीं। वहीं मैथ और रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल का बुक आता है, वो लीजिए, आपका मैथ से जो भी पर्सन है क्वेश्चन वो सॉल्व होंगे। हाँ दोस्तों, जितना भी ये मैंने बुक लिस्ट बताया है अगर वो आप परचेज करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल